अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम लोग जो है फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद पे आए थे, क्योंकि आज है ईद अल फितर। तो सभी को ईद अल फितर बहुत ही ज़्यादा मुबारक हो। तो यहाँ पे जो है अंधेरा है, तो इसी वजह से फ्लैश जला के मैं अपना वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो आप सभी को जो है बहुत बहुत ईद मुबारक। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत घूमने के लिए आए, क्योंकि ईदगाह भी देखना था। तो ईदगाह देखने के बाद जो है हम लोग अभी जा रहे हैं हमारे हॉस्टल की ओर। फजर की नमाज अदा करके जैसे ही मैं हॉस्टल की तरफ जा रहा था, तभी मेरे घर से कॉल आता है। तो अब्बू अम्मी से बात भी हो जाता है, ऊपर से ईद का दिन हो, अब्बू अम्मी से बात हो जाए। अगर आप बाहर रहते हो, एक हॉस्टलर हो, तो आप उस फीलिंग को अच्छे से समझ सकते हो। ईद का दिन हो और हम जो है शमाई ना खाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो सबको बार बार मैं बोल रहा हूँ, सबको ईद मुबारक हो। तो यहाँ पे जो है कुछ लोग शमाई बोलते हैं, शमाई बोलते हैं, तो हम तो शमाई बोलते हैं, तो यहाँ के लोग शमाई बोलते हैं। तो हम जो है अभी अपना शमाई यहाँ पे बनाने के लिए रेडी कर चुके हैं। यहाँ पे दूध रख दिए हैं गर्म होने के लिए, और यहाँ पे चीनी है, यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स है, और यहाँ पे जो है शमाई है, जिससे हम लोग जो है आज का हम लोग कोठा पूरा करने वाले हैं। हम सभी ने यहाँ पे मिला के शेमाई बनाया, पापड़ फ्राई किया, और आप लोग देख सकते हो शेमाई अच्छा भी हुआ, जो कि खाने में भी टेस्ट अच्छा आया। सभी लोग यहाँ पे शेमाई खाने के बाद हम लोग रेडी होते हैं और बाहर आके सेल्फीज खिंचवाते हैं, जो कि हमारा मैंडेटरी होता है। यहाँ पे सेल्फीज खिंचाने के बाद हम लोग जो है अभी ईदगाह के लिए रवाना हो जाते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज है ईद उल फितर। एक महीने हम लोग फास्टिंग करने के बाद आज जो है हम हमारा नमाज़ पढ़ने के लिए अभी ईदगाह जाने वाले हैं। तो आप सभी को जो है बहुत बहुत ईद मुबारक हो। तो यहाँ पे धूप भी बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन हम नमाज़ पढ़ने के लिए अभी मस्जिद की ओर रवाना हो चुके हैं। टेन से जो है हमारा नमाज स्टार्ट होने वाला है ईद उल फितर का। तो अभी जो है टाइम 9:15 हुआ है, क्योंकि पहले से हम लोग यहाँ पे आके अपना जगह भी ले लेंगे, और जहाँ पे धूप होगा वहाँ पे हम लोग अभी बैठ जाएंगे जाके। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, आप लोगों को भी ईद मुबारक, आप लोगों को भी ईद मुबारक गाइस। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है हम लोग ईद का नमाज खत्म कर चुके हैं, ईद का नमाज हो गया है। तो यहाँ से जो है अभी हम लोग जाएंगे अपने हॉस्टल के लिए। तो बोलना है घर से दूर हो, नींद आ रहा है मेरे को। अच्छा, वो बात अलग है, और घर से दूर है ना लगे। तो हम लोग जो है अभी घर से तो सब लोग दूर है, मिलजुल के अभी जो है यहाँ पे अपना नमाज अदा करने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं अपने हॉस्टल के लिए। और यहाँ पे गर्मी आप लोग देख सकते हो, सर के ऊपर जो है अभी गर्मी बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ से जो है हम लोग अभी जाएंगे अपने हॉस्टल पर। तो जाके कुछ स्पेशल आई थिंक होगा, आज यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ दिया जाएगा लंच में, देखेंगे क्या दिया जाता है क्या नहीं दिया जाता है। तो चलिए, तो गाइस ईद का नमाज जो है अभी ख़त्म हो चुका है, और आप सभी को जो है ईद बहुत बहुत मुबारक हो। हम जो है घर से दूर है, और हमें जो है अभी अपना लंच करना है। सो गए थे, तो सोने के बाद हम लोग अभी उठ चुके हैं, और अभी जो है हम लोग जाने वाले हैं हमारे हॉस्टल से मेहंदीपट्टनम, वहाँ पे जाके इंशाल्लाह नमाज अदा करेंगे जोहर का, और वहाँ से हम लोग जो है मटन खाएंगे, जो कि ईद स्पेशल होता है। और घर से दूर है, घर पे रहते तो मटन खा सकते थे, लेकिन यहाँ पे जो है पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग अभी जाएंगे वहाँ रेस्टोरेंट पे, वहाँ पे जाके अपना मटन खाएंगे, थोड़ा बहुत घूमेंगे, घूम फिर के हम लोग आ जाएंगे।
यहाँ पे जो है सरकार की तरफ से फ्री पानी प्रोवाइड किया गया है, जो कि आप लोग देख ही सकते हो। लोग यहाँ पे गर्मी ज्यादा है तो इसी वजह से यहाँ से पानी वगैरह खुद लेते हैं, खुद खा सकते हैं, जो कि कोल्ड वाटर होता है और सरकार की तरफ से होता है। हमने जो है अपना नमाज अदा कर लिया है मस्जिद पे, और अभी जो है हम लोग जाएंगे जिस उद्देश्य से यहाँ पे आए हैं, जिस मकसद से यहाँ पे आए हैं हम लोग, तो उसके लिए जो है हम लोग अभी जाएंगे दुकान ढूंढने के लिए। मैक्सिमम दुकान जो है यहाँ पे बंद है, रेस्टोरेंट जो है यहाँ पे बंद है, तो अभी जो है हम लोग जाएंगे जाके अपना मटन बिरयानी खाएंगे। हम लोग अभी है मेहदीपट्टनम, और यहाँ पे जो है हम लोग अभी जाने वाले हैं प्रिंस रेस्टोरेंट पे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा कलेश हो गया क्योंकि प्रिंस रेस्टोरेंट पे पहले भी मैं खा चुका हूँ, लेकिन आज हम चार जने आए थे, हंडी ऑर्डर किया, हंडी में क्वांटिटी आई थिंक ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन आज जो है हम लोगों ने ऑर्डर करने के बाद यहाँ पे पता चला कि 2-3 पीसेस ही दिया जाता है हंडी में। अगर आप लोग आते हो मेहदीपट्टनम प्रिंस रेस्टोरेंट पे, कभी मत खाना, यहाँ पे जो है क्वांटिटी आप लोग देख ही सकते हो बहुत ही ज़्यादा कम दिया जाता है। जो है हम लोग आए हैं महाराजा स्वीट्स पे, यहाँ पे जो है हम लोग अभी कुछ स्वीट्स खाएंगे, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स पियेंगे, आइसक्रीम्स वगैरह खाएंगे। खाने के बाद जो है यहाँ से हम लोग निकल जाएंगे हमारे आई थिंक होस्टल के लिए, हम लोग सभी लोग निकल जाएंगे। आप स्वीट्स खाना पसंद करते हो और कभी मेहदीपट्टनम आना होता है तो आप महाराजा स्वीट शॉप पे आप लोग विजिट कर सकते हो, जहाँ पे मैं खुद खाया हूँ, और हर एक स्वीट में आपको जो है अलग फ्लेवर नज़र आएगा। तो यहाँ पे जो है आपको ज़रूर से मैं रिकमेंड करूँगा, यहाँ से आप लोग खा सकते हो। मेहदीपट्टनम से हम लोग जो है आ गए थे गवर्नमेंट सेक्रेटेरिएट, और यहाँ पे जो है आप लोगों को मैं ज़्यादा क्लिप नहीं दिखाया क्योंकि उसका और एक अलग वीडियो आने वाला है। तो हम लोग जो है यहाँ से अपने हॉस्टल के लिए रवाना हो गए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अलसीपन आ रहा था। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कॉमेंट कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना।